बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना चलाने दें। खास तौर पर देखा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जाते वक्त दोपहिया वाहन चलाने को दे देते हैं। अब राजधानी दून की ट्रैफिक पुलिस ऐसे नाबालिग छात्रों को धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। तो देहरादून के ट्रैफिक SP अक्षय कोंडे ने कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में ही वाहन चलाने के लिए दे देते हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। हालांकि अभियान के तहत जितने भी नाबालिग वाहन चलाते हुए छात्र जो हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके चालान काटे गए और उनके परिजनों को भी मौके पर बुलाकर ट्रैफिक पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही सभी स्कूलों को कहा कि जितने भी वाहन आए उनको स्कूल परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, स्कूलों की ओर से संचालित किए जा रहे दोपहिया वाहन और स्कूली बसों को वाहन परिसर जो है वो पार्किंग है के लिए कहा गया है कि स्कूल में ही वाहन ऐसे वाहनों को पार्क किया जाए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो 9th 10th 11th 12th में 15 16 17 18 एज के जो है इनके द्वारा खुद वाहन चलाया जाता है, इनके पेरेंट्स द्वारा भी इनको वाहन दिया जाता है। तो इसी के तहत चूँकि ये स्कूल के बच्चों से रिलेटेड ये थी, तो हमने अच्छे से प्रचार प्रसार किया। मेरे द्वारा सबको लेटर भी लिखा गया कि क्या क्या धारा है, क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और सुधार ना आने पर हमने कार्रवाई शुरू की है। इसी के तहत आज हमने एक ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स पे ड्यूटियाँ लगाई गई और चालान किए गए। इसमें लगभग 80 चालान किए, उसमें 27 बाइक्स थी जो नाबालिग बच्चों पे थी, स्कूल ड्रेस में बच्चे स्कूल जा रहे थे उनसे रिलेटेड थी, वो सारे वाहन सीज किए गए। उन सब पे 25,000 रुपये तक का मुकदमा लगा, 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा है, और वो सारे चालान अभी माननीय कोर्ट में भी प्रेषित किए गए। जो 9th 10th